ओके क्लास, अब इस सब के बाद हम देख लेते हैं अपने टास्क। आप लोगों ने जाके आई होप सारी वीडियोस चेक कर ली होंगी जिनमें आपको कोट और कॉन्सेप्ट दोनों बता दिए है। तो अब हम अपने टास्क देख लेते हैं कि हमारे टास्क क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट टास्क तो आपको सिंपल प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूजर से 10 इनपुट्स लेने हैं एक एरे के अंदर, और आपने बबल इंसर्शन सिलेक्शन तीनों सॉर्ट्स करवानी है, और आपने प्रिंट करवाने हैं उनके पासेस। ठीक है, हाउ मेनी पासेस आर रिक्वायर्ड बाय ईच सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए इसको आराम से कर सकते हैं। सेकंड टास्क आपका थोड़ा सा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थोड़े से आपको लॉजिक्स इस पे लगानी होंगी। सेकंड टास्क आपका कहता है, मिस सारा इज अ किंडरगार्टन टीचर, शी हैज टू टीच अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर टू किंडरगार्टन किड्स, इंप्लीमेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट हेल्प्स मिस सारा। अब इसमें आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम सोचना है कौन सा लगेगा, और आपने मिस हारा को हेल्प करना है उसके उनके स्टूडेंट्स के लिए टू अरेंज देम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रबिया इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, शी यूज्ड टू लिसन म्यूजिक इन हर स्पेयर टाइम, शी हैज कलेक्शन ऑफ म्यूजिक फ्रॉम ईयर 2001 टू 2019, इंप्लीमेंट एल्गोरिथम दैट कैन अरेंज द लिस्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन ईच ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑल्सो फाइंड द ईयर हैविंग हाइएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यूं ही अरेंज करवाना है। देयर आर 15 स्टोरेज बॉक्सेस हैविंग फॉलोइंग वेट्स, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है यहाँ पर, इन किलोग्राम्स। अरेंज द बॉक्सेस फ्रॉम लोएस्ट टू हैवीएस्ट। ठीक है, लोएस्ट टू हाइएस्ट, यानी कि लोएस्ट टू हाइएस्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। आपको खुद सॉर्टिंग सोचनी होगी क्लास, आपको सोचना है कौन सा सिलेक्शन, कौन सा सॉर्ट आप यूज करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करेंगे। मिस्टर ताहिर इज टीचिंग अ प्रोग्रामिंग हैविंग 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ही अरेंज मार्क्स ऑफ फाइनल एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन स्टोर मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अरेंज इन स्टूडेंट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल्सो सर्च मार्क्स प्रोवाइडेड बाई यूजर, यूज अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सिनेरियो एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करनी है। यहाँ पे हर कोई अलग अलग एल्गोरिदम यूज करोगा, अपने माइंड के अकॉर्डिंग लॉजिक बना रहे होंगे आप लोग, तो ये आपके टास्क है। सिंपली आप अपना एक दफा मैनुअल भी गो थ्रू कर लीजिए, इसमें आपको कुछ एल्गोरिदम की वर्किंग दिखाई हुई है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, कोड और उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी अभी आप नहीं देखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी में कंफ्यूज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे, टाइम स्पेस सब कॉम्प्लेक्सिटीज हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। तो ये हमारा जो है आज का टास्क है, आप लोग इंशाल्लाह ये कर लेंगे।